वेल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। अपकमिंग इनटेक इज़ मार्च 24 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एक कम्प्लीट सेट ऑफ सीरीज़ लाइक वीडियोज़ की तकरीबन ऑल डेस्टिनेशंस पे प्लान करूँगा इंशाल्लाह, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, हंगरी, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, बल्गेरिया, रोमानिया, मेडिकल और नॉन मेडिकल को मिलाकर इंशाल्लाह। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला लास्ट वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरी सेकंड वीडियो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। इसी तरह कंटिन्यूटी के साथ हम बनाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग, द लॉट ऑफ ग्रेट ट्रेंड इज़ गोइंग टू चेंज फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टडी के बारे में। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयरफुल पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वेट कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, यानी वो टेक्निकल कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, वो डिप्लोमा या बैचलर डिग्री में अप्लाई नहीं करते। उनके लिए ऑलरेडी लास्ट वन ईयर पूरा मुश्किल में गया और आगे भी तकरीबन मुश्किल ही रहेगा उनके लिए वीज़ा लेना। तो मेरी एडवाइस है, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके डायरेक्ट हायर एजुकेशन की साइट पे आइए। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, तकरीबन ऑल साइड पर ये इशू है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इज़ गोइंग टू चेंज देयर ट्रेंड। इंशाल्लाह वेरी सून मैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। दूसरा पॉइंट, अगर वेट से हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं तो दो चीज़ों की चेंजेस आती है। एक तो ट्यूशन फ़ी अपग्रेड हो जाती है, यानी $3,000-4,000 की ट्यूशन फ़ी का डिफरेंस आता है, और उसी के साथ बैंक स्टेटमेंट का इशू भी चेंज हो जाता है, यानी वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जब वीज़ा सिक्योरिटी मेंटेन हुई अप टू 90%, 85%, तो डेफिनेटली आप जाओगे, तो ये मामलात भी इंशाल्लाह वहाँ जाके हल हो जाएंगे। एंड आई विल टेल यू इन अ फर्दर वीडियोज़ कि हाउ टू लिव ओवर देयर, क्या काम करने चाहिए, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम द कंट्री इन्फॉर्मेशन टू एवरी एस्पेक्ट, जो भी अल्लाह पाक ने मुझे नॉलेज दिया है मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। दूसरा पॉइंट, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में डिफरेंस, लाइक बैचलर डिग्री कॉलेज भी पढ़ा रहा है और यूनिवर्सिटी भी पढ़ा रहा है। बहुत सारे अच्छे लाइक स्टूडेंट जिनकी ग्रेडिंग अप टू 80% तक, 75% तक, और वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हैं, वे गलती कर बैठते हैं, वो कॉलेज में बैचलर डिग्री या ट्यूशन फ़ी के पैरामीटर को कम समझ के वहाँ अप्लाई कर लेते हैं। उनमें से कुछ गलतियाँ बच्चे स्टूडेंट खुद करते हैं, कुछ उनके काउंसलर्स या गार्डियन, डिफरेंट पैरामीटर रिस्पेक्ट होते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। तो मेरा विजन ये है कि मैं आपको इंशाल्लाह राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। एंड आरसा के पास ऑलमोस्ट 20 यूनिवर्सिटीज अराउंड द ऑस्ट्रेलिया एंड 20 ए लेवल कॉलेजेस, लेवल 1 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। ये वीडियो आपके साथ फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक कंप्लीट सेट ऑफ सीरीज शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फी, डिस्काउंट, नॉर्मली स्कॉलरशिप लोग कंसल्टेंट उसको बोल देते हैं, बट दैट इज़ डिस्काउंट स्कॉलरशिप, इज़ अ चांसलर स्कॉलरशिप अदर, इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ लाइक माई चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये टिकटॉक और अदर ऑल लाइक चैनल, इंशाल्लाह गेट इन टच विद अस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे to the those student who are living in rest of other cities, we are located in Lahore model town and I'm from the last 14 year in this industry and aap mera portfolio aur meri profile ja ke check kar sakte hain alhamdulillah, it's a great team, more than the 30 team members in the office, we have just one office in Lahore, it's a inshallah arsa ke bare mein bhi complete introduction aapke sath share karenge। So point main ke batana cha raha hu ki if you live in other city just call to the my advisors जो कि स्टूडेंट एडवाइज़र ओवर द फ़ोन कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। अदरवाइज़ जो आपकी प्रोफाइल में मिसिंग हुई वो आपको बताएंगे, वो फुलफ़िल कीजिए, कंप्लीट कीजिए, देन यू कैन अप्लाई इन योर डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन। आरसा इज़ वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूके एंड द यूरोपीय यूनियन में अगर हम चलते हैं तो हंगरी, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस।
और अदर देन यूरोपियन के एक और शेंजन के अलावा अगर हम चलते हैं तो हमारे पास बल्गेरिया है, रोमानिया. वेल, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट. आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू. अल्लाह हाफिज़. फ़ीमान अल्लाह.